नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर का। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं सिंक मिक्सर फिटिंग के बारे में। जैसे कि सिंक में जो मिक्सर फिट किया जाता है, जो हॉट वाटर कूल वाटर दोनों पानी मिक्स होता है, उसमें टेंशन क्या हो जाता है नए प्लम्बर के लिए। जो पुराने प्लम्बर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नए प्लम्बर है उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए आज उनको आपको जानकारी देंगे, फिट करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंक मिक्सर हो गया एक सिंगल लीवर में, और देखिए दिक्कत कहाँ होता है। जो फिटिंग किया जाता है इसमें, जैसे क्या देखिए, इसका कनेक्शन पाइप जो होता है वो अलग होता है, वो अलग होता है। अब देखिए कि इसको फिट कैसे कीजिएगा। सबसे पहले ये आपको खोल लेना है, इसका वाइसर आपको बाहर रखना है, इसको भी आपको खोलना है, ये वाला को। अब देखिए खोलने के बाद देखिए इसमें आपको फिटिंग करना है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको फिट करना है। तो जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे फिट इसमें कस दिए, इसको भी फिट इसमें कर दिए। तो देखिए अब दिक्कत क्या होगा, ऐसे आप अगर फिट कर देते हैं तो इसको लगाने में दिक्कत होगा। देखिए अब इधर से जाएगा नहीं, एक पाइप चला गया तो दूसरा इसमें जाएगा नहीं। देखिए दूसरा पाइप इसमें नहीं जाएगा। इसका सही तरीका आप बताएंगे फिट कैसे करना है। हो गया, अब देख सकते हैं कि ये डबल सिंक है, इसी में आपको फिट किया जा रहा है। और बहुत मस्त नल है आपका, जिधर चाहिए उधर आप घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं जिधर चाहेंगे उधर आपका घूम जाएगा। तो फिट करना कैसे, पहले पहले देखिए ये वाला इसमें इसे फिट होगा। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन पाइप जो है नीचे से आपको लगाना है, ऐसे इसमें पहले आपको लगाना है। इसको लगाने के बाद यहाँ आपको बाहर निकालना है, जहाँ पे नल कसना है, यहाँ पे चला गया। देखिए अब इसमें से नहीं निकलेगा बाहर, ये इसमें हमारा हो गया। अब यहाँ पे आइए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लगाना है। इससे पहले आपको वाशर फिट लगा लेना है। देखिए वाशर हमारा लग गया, और इसको ऐसे कर, अब ये आसानी से अब आपका ये फिट हो जाएगा। अब एक एक करके इसमें फिट किया जाएगा। चलिए एक फिट हो गया, अब उसी तरह आपको दूसरा भी फिट करना है। उसके बाद देखिए ये आपका कनेक्शन पाइप टाइट हो जाने के बाद आपको इस तब इसको फिट करना है। यहाँ पे इसे आपको अच्छे से टाइट करना है, ताकि लूज नहीं होना चाहिए, नहीं जो आपका नल लीक हो जाएगा। टाइट हो गया, देखिए वाइसर आपको ऊपर चढ़ा लेना है, इसको आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद नीचे से ही वाला को ले जाकर आपको टाइट करना है। यहाँ पे अच्छे से टाइट हो गया, और उसके बाद कनेक्शन पाइप आपको देखना है। ये बाएं साइड वाला आपका हॉट वाटर का है, इसमें हॉट वाटर इंगल वॉल्व में आपको कनेक्ट कर देना है। और दाएं साइड वाला आपका कूल वाटर यानी टैंक का है, इसमें आपको कनेक्ट कर देना है। इसी तरह आपको फिट करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। देखिए जिधर चाहे आप उधर घुमा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे पानी ऑन करके देखते हैं, कैसे घुमा उठा सकते हैं, घुमा सकते हैं। अभी गीजर नहीं लगा हुआ है, इधर कीजिएगा तो गीजर का पानी आएगा, बीच में मिक्स हो जाएगा, और इधर टैंक का पानी आएगा। और ये आपका आर ओ का कनेक्शन दिया हुआ है, आर ओ का ये नल है, इसे खोलने पर आर ओ का पानी इसमें आएगा। और नीचे देखिए
इसे बोतल ट्रिप ज्वाइंट किया गया है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो गया था तो कट करके नीचे किया गया है, और इसी तरह फिट कर सकते हैं। ये 1.5 इंची का FTA और 1.5 इंच का एल्बो पे हमने फिट किए हुए हैं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे।